अभी ये 6.12 हो गया एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फोर में वही है, लेंथ हमें लॉन्ग करनी है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये बल्कि फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला डी इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। मतलब एक क्वेश्चन दी होगी, जनरल क्वेश्चन दी होगी और पॉइंट्स दिए होंगे और डी कहता है फाइंड आउट करो, डिस्टेंस फाइंड आउट करो उनका ना। अब ये जो क्वेश्चन दी हुई है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। फाइव थ्रू आउट फाइव पे डिवाइड करेंगे हम। फाइव पे डिवाइड करने के बाद तो ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन का टू आ गया, ये 15 का फाइव पे जब डिवाइड करेंगे वो थ्री आ गया, 131 ओवर ये फाइव आना था इधर, क्योंकि फाइव पे डिवाइड किया है ना तो इधर फाइव आना था, इधर वो गलती करेंगे, इधर फाइव आना था। नीचे उसने फॉर्मूला लिख दिया एक्स वन और वाई वन हमारे पास वैल्यूज जो है, एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज ये इधर भी थोड़ी सी गड़बड़ कर गए, जी की वैल्यू इसने निकाली नहीं है इधर है ना, जी की वैल्यू इधर से निकालनी थी, वो जी की वैल्यू और एक्स वन की और वाई वन की तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, जी की वैल्यू इधर से निकालनी थी वो अब इसने डायरेक्ट लिखती है मेरे ख्याल में ना, वो देखते हैं वो जी की वैल्यू और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्योंकि ये एक्स वन की वैल्यू तो माइनस फाइव है, ये माइनस फाइव आ गया, ये वाई वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ये हमारे पास जो था इधर 2f और इधर 2g, इनकी वैल्यू ये देखें, इनकी वैल्यू हमारे पास 2g x1 2f y1, इधर इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी थी, फिर देन हमारे पास आंसर जो भी आना था। x1 y1 की वैल्यू पुट की है और साथ f की वैल्यू इधर पुट करनी है, इन शॉर्ट मतलब सबकी वैल्यू पुट करने के बाद उनका अंडर रूट ले लेने, अंडर रूट लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था इतना, ये बेसिकली आपको बताया था ये फार्मूला उसमें आता है एंट्री टेस्ट में ना, ये वाले फार्मूला जितने भी है। अभी नेक्स्ट कॉर्ड मालूम करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, ये लाइन है बाय द सर्कल, सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब ये हमारे पास रेडियस हमारे पास बन जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, ये वाला जो रेडियस है ना, ये वाला जो रेडियस हमारे पास आ रहा है वो 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर आर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल हो गया और ये सर्कल को एक लाइन कट ऑफ कर रही है, कट ऑफ ये कॉर्ड, कॉर्ड आपको पता है अगर तो ये उसके सेंटर में से गुजरे तो डायमीटर बन जाता है, अगर ये लाइन कोई भी लाइन सर्कल को कट ऑफ करती है अगर तो वो सेंटर में से गुजर जाए वो डायमीटर, तो अगर वो कहीं और से कट करे सेंटर में से ना गुजरे तो उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, ये लाइन भी उन्होंने गिवन की हुई है। और फाइंड द लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, तो 2x प्लस 3y इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 दूसरी इक्वेशन, इधर से पहले में से एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, तो
ये एक्स की वैल्यू हमारे पास इधर से आ गई 3y, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, एक्स के साथ 2 था वो नीचे आके डिवाइड हो गया, ये वैल्यू एक्स की पुटिंग इन सेकंड जहां जहां एक्स आ रहा है। एक्स के एक्स था हमारे पास, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये वाई आ गया, वाई स्क्वायर था हमारे पास 26। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर का फार्मूला हमारे पास खुल जाएगा, एलसीएम लेंगे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये जी इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तीनों में 13 कॉमन आ रहा था, 13 एक बार, 13 छः बार, 13 पाँच बार, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो अब इधर से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस 5, पेयर इसके बन गए हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इधर से y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो जो लास्ट में हमने फर्स्ट इक्वेशन में से हमने बनाया था उसमें y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो y की जगह जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, माइनस 1, 5 पुट किया तो माइनस 1, 1 पुट किया तो 5, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 और 5 पहला, 5 और 1 ये दूसरा। तो नेक्स्ट हमारे पास अब इनकी जो लेंथ है, पॉइंट हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, ए पॉइंट भी आ गया, ए पॉइंट हमारे पास आ गया माइनस 1, 5 कोई भी रख लें, और बी पॉइंट हमारे पास आ गया 5 और 1। तो अब इनका डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला अब ये देखें, 5 और माइनस 1 ये देखें, जब हम इसमें बनाते हैं ना ये वाली लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आपको पता है कि हमेशा जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारे पास माइनस में आती है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट ही आएगा, तो यहाँ से ए और बी का जो डिस्टेंस है आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आप इजीली इस पे लगाओ, ये देखो पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट, सो द लेंथ ऑफ कॉर्ड एक्स टू माइनस एक्स वन, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 1, 1 माइनस 5 वाई टू माइनस 1 वाई 1, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ये 6 36 बन गया, ये 4 बन जाएगा 16, ये 52 बन गया, 52 को हमारे पास ये उसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और यही क्वेश्चन नंबर 6 है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, यस सर, ओके। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपस में ये इंटरसेक्शन की बात करेगा ना, कोई भी पॉइंट आपस में जब भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको याद है पांचवा चैप्टर हमने डिस्कस किया है, पांचवें चैप्टर में जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती थी, ये एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, अब एक तो ये पॉइंट होता है, या ये वाली हम लाइन देख लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरे इसको वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट को कहते हैं, इसका कैसे कॉर्नर पॉइंट को, हर कॉर्नर पॉइंट होता है ना जो उसका सॉल्यूशन रीजन भी हो, दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हो, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो जो दोनों लाइन होती है ना, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन, उन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस
थ्री, और इधर जो भी हो 5x-4y-2, इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, मतलब पहले में से वैल्यू निकाल के वो दूसरे में पुट कर देते हैं एक्स की या वाई की वैल्यू। तो अब ये भी इसमें भी वही क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ही हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी इंटरसेक्शन का वर्ड आ गया तो इसका मतलब सिंपल एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ये देखिए हम एक लाइन ये है विद द सर्कल ये है हमारे पास, जैसे हमने पिछले में कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए हैं। तो अब इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं हम। अली लिखवाना है इसकी स्टेटमेंट x² एक्स स्क्वायर प्लस y² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2y जी माइनस 39 इज इक्वल टू 0। माइनस, 39 और दूसरी एक्स सर, इसी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं ना आप? तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्मॉल है, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा अभी ये देखें इसमें से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी, 6-2y, इसमें पुट कर दें 6-2y होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6-2y-2y-39 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 36 जमा 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस y स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4y-2y-39 इक्वल टू 0। तो अब देखें वाई स्क्वायर हमारे पास कितने हो गए, ये बन गया 5y स्क्वायर, वाई स्क्वायर खत्म हो गए, 24y और -2y ये 26, 26 में से 4 निकल गए तो ये हमारे पास रह जाएंगे 22-22y। फिर आ गया 36, 39 में से 36 निकाल दिए तो -3 रह गया, -3 और -12 -15। तो इधर से हम देखो हमारे पास अगर तो पेयर्स बनते हैं इनके, 15 5 बार होता है 75, तो 25 3 बार, 5y² -25y-3y-3 नहीं सॉरी +3 -15 इक्वल टू 0। फाइव कॉमन आ गया 5y, y-5 + 3 कॉमन आ गया y-5 y-5 and 5y-3 इक्वल टू 0, y = 5 and y = 3/5। ये x में पुट कर दें, y = 5 जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6-2 × 5 वो बन जाएगा 6-10 -4, x की वैल्यू बन गई -4 और 5 एक। जब दूसरी कंडीशन में हम 3/5 पुट करेंगे y = 3/5 तो वो हमारे पास बनेगी x = 6-3/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 6 30 -6 ये बन जाएगा 24/5। तो इधर से बन जाएगा 24/5 और 3/5। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने फाइंड आउट करने। सर अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, एक मिनट। ठीक हो, आंसर ठीक है अली, देख लेना पीछे से, क्योंकि इसके तो वो उधर दिया नहीं था ना। सर एक तो आया -4/5, ये तो ठीक है, और ये एक दूसरा आया है 36/5 और -3/5। 3 इधर, ओहो 36 ओवर, हाँ हाँ ठीक हो गया, 5y+3 है ना, इधर 5y+3 होना था, इधर क्या बन गया, माइनस आ जाना था फिर, तो इधर से मिस्टेक हो गई। ये देखें यहाँ प्लस आना था, 5y+3 था, तो 5y+3 का हमारे पास आ गया, इधर से 3 दूसरी तरफ गया, -3/5, जब -3/5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, जस्ट प्लस हो जाना था, ये बन जाना था 36/5, यही है 36/5 और -3/5, यस यस यार, यही 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 है। चलो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 7 का सेकंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली याद है, ये वाले क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी हमने, वो एक में से नहीं वो स्लोप। लाइन निकालनी है, फोर 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 चैप्टर में किया हूँ। वही है सेम, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन यहाँ है और के खत्म, ये काफी है, अभी 8 का 3 भी है, 9 भी है। 8 का 3 भी और 9 भी है, ठीक हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ आज इतनी कर लेते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं, फिर जो कल नेक्स्ट, खत्म करेंगे, हाँ कल ही इसको खत्म कर देंगे, 6.4 इंशाल्लाह क्लास में ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है सर।